कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े को पुलिस को धमकाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कांग्रेस विधायक सहित उनके 50 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बीते रोज बिजली से जुड़े एक मामले को लेकर वानखेड़े पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और वहां उन्होंने टीआई को भाजपा का एजेंट कहकर हंगामा किया था। बड़ौर टीआई जगन सिंह मंडलोई ने विधायक विपिन वानखेड़े सहित 9 नामजद व करीब 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। विधायक ने बदौर थाने पर समर्थकों के साथ जाकर हंगामा किया था, जिसके बाद उन पर शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। गत दिनों विद्युत विभाग का अमला बदौर क्षेत्र के जय सिंहपुरा विद्युत वितरण केंद्र के गांवों में अवैध रूप से चल रही मोटरों को जब्त करने गया था। इस मामले में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम सिंह तंवर पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण बड़ौत पुलिस ने विद्युत विभाग के जेई उदय भान सिंह किरार की रिपोर्ट पर दर्ज किया था। इस प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बड़ौत पुलिस सोमवार को गांव पहुंची थी। इसके बाद इसी दिन दोपहर में कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी जे एस मंडलोई से उनकी जमकर कहासुनी हुई। विधायक ने पुलिस पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया। करीब आधा पौना घंटे तक थाना परिसर में हंगामा हुआ। इस मामले में मंगलवार को कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े सहित 9 नामजद पर करीब 50 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कोई भी हो हमारा भाई क्यों नहीं आया? यदि अपराधी होते का उठा नीचे। अरे बोली का तमीज रखो भी। आवाज नीचे। बोल रहा है। आप आ रहे हो क्या? आप आ रहे हो क्या? बुलाने के लिए कोई गलत बोला क्या? बीजेपी की दलाली कैसे कर रहे हो? बीजेपी की दलाली कर रहे हो? किसके? बीजेपी की दलाली कर रहे हो? बीजेपी की नहीं, सरकारी कर्मचारी को गाली देता। अरे तो बुलाना थाने पर। कोई मानने नहीं है आपको, समझाने आए? समझाने नहीं। पुलिस का काम नहीं, हम गिरफ्तार का काम है जनता को सेवा देना। वानखेड़े ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस बीजेपी की दलाल बनकर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर द्वेषपूर्वक कार्रवाई कर रही है, महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, इसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस ने मेरे साथ जो भी अभद्र व्यवहार किया है उसे मैं विधानसभा में उठाऊंगा और थाना प्रभारी पर कार्रवाई करवाऊंगा। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।